वो सामने कपास की फसल है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये सामने तिल है, तिलों की भी फसल होती है, और ये सामने जंतर है, जंतर, और ये है सामने बाजरी की फसल, और ये वो जंतर है जिसे हमारी बकरियां खाएंगी, और ये सारी फसल है, ये सारे खेत अपने हैं जितने आप लोग देख रहे हैं, ये सारी फसलें अपनी हैं, सारे रकबे अपने हैं। चल झूठा। अच्छा, ये वो मस्जिद है जिसका काम शुरू हुआ था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब काम स्टॉप है। ये मुझे नहीं पता कि इसका काम क्यों रुका हुआ है, लेकिन मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये सामने वाली उसकी पुरानी मस्जिद है जिसकी जगह पे एक नई मस्जिद बन रही है। माशाल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद का व्यू आ रहा है, और ये व्यू भी आप देख सकते हैं। और ये वो चारा है जो हम लोग अभी काट के लेके आए, और जानवर खाने में मसरूफ़ हैं, ये सुबह से भूखे थे बेचारे। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था लेकिन इन्होंने नाश्ता नहीं किया था। ओके और इनका नाश्ता अभी हो रहा है। और बाकी ये हैं, और कुछ जानवर इधर भी हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनमें बरकत डाले। और जो स्टार्टअप था ना इन जानवरों का, वो तकरीबन एक या दो भेड़ से था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जानवर काफ़ी बढ़ चुके हैं, और ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, और अल्लाह ताला उसका सिला दे रहा है। मुर्गा देख के ये कहती है कि मैं भी मुर्गा खाऊं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का। और आज व्लॉग शुरू कर दिया लेकिन आपको तो वेलकम किया ही नहीं है, तो अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई के चैनल को, और थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाएं। तो यार आज का जो हमारा सीन है ना, वो है बड़ा मज़े वाला दिन होने वाला है, पता है क्या, उसके लिए ये चीज़ है। और रुको जरा, और आप लोगों ने थंबनेल से भी देख लिया होगा, और मज़े का सीन होने वाला है। मैं जा रहा हूँ शॉप पे इसको बनवाने, हलाल करवाने, और पैदल हूँ, गर्मी आज है काफ़ी, और मेरे साथ है मेरा छोटा भांजा, वो आ रहा है, वो पैदल आ रहा है वो भी। तो कब तुर के आ पाई, जल्दी कर दे छेती आ छेती। तो मुर्गा वगैरह बनवाते हैं, मुर्गा बनवाते हैं, और उसके बाद फिर क्या है, दोपहर का खाना शाना खाते हैं, टाइम होने वाला है 12 बजे का। और आज थोड़ी गर्मी है, बादल है, रात बादल और जो थी ना गाजें लस्कें बहुत ज़्यादा थी लयाली भी साइड ते बारिश नहीं आई, बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। तो फाइनली यार हम आकाश भाई की शॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे अभी क्या है कि आकाश भाई तेज़ कर रहे हैं अपने औजार, और यहाँ पे वो घिरा रहे हैं मुर्गा। बोटी खा से ओ कुकड़ कित्थे का ओ बोटी खा से तो फाइनली हमारा मुर्गा बन के आ गया। ये हमारा देसी मुर्गे का गोश्त है, इसमें चना नमक और नीचे खीर मिक्स है, वो भी बनेगा आज, और ऊपर प्याज वगैरह है, सारा कुछ है ले लिया है। और सड़क आप देख रहे हैं सुनसान, और एक खौफनाक रास्ता, साइड पे गन्ने की फसल, इस साइड पे कपास की, ये हमारा गांव है। A few moments later. तो यार सीन ऐसे हैं कि आपका भाई नहा धो के फ्रेश हो चुका है, चेंज कर चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और टाइम हो गया तकरीबन 2 बजे का, और हम लोग खाना खाने लगे हैं। खाने में हमारे पास क्या है, हम लोग आपको अभी, और खाने में हमारे चीफ गेस्ट हैं तकीर हुसैन, हेलो कर दो। हेलो। और खाने में है देसी मुर्ग की कढ़ाई बनी हुई है, शोरबे वाली मज़ेदार,
और दूसरा ये है कि खीर मिक्स बना हुआ है, साथ में सादा रोटी वगैरह है और भी कुछ वो है। आओ भैया फुल प्रोटोकॉल। यार उन्हें सारे तैयार आते अपने बड़ा जो बिल पास किया ना उन्हें संभरी फिर नैब का नहीं तैयार ही ना हो ना वो चोरों को पकड़ संगे अदालत केस ना भेज संगे कह भाई इदारे का सिक्योरिटी ना गिन संगे जिन्हें गिनते हैं बस भी चोरों ने हिसाब ना दिवे लेके आती ना वैसे ही हाँ क्योंकि इमरान खान ने दिशा खत्म कर दी थी ना मेरे भैया केस ही ना वैसे ही करो कुछ फैस ये गलत है ना ये तो बात हुआ कुत्ते ना चोर चोर ना जिम्मे दर कुत्ते रली करी मतलब नया विदार ही खत्म करें चाहे जब कि यार कहीं को पकड़ ही नहीं संगदा उधर को क्या रिको नहीं वो तो किस दर ने क्या ये भैया इतना खबर है तो जो बिल पास था ना वो पढ़ता खड़ा है नेशनल असेंबली 3 hours later अच्छा तो यार सीन ऐसे हैं कि दोपहर 3 बजे तक मैंने अपना व्लॉग बनाया था उसके बाद अभी तक नहीं बनाया और अब टाइम हो गया 10 बजे का तो बस इधर ही ब्लॉग एंड करते हैं काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारे मतलब आपको और इंशाल्लाह फिर कल एक नई वीडियो के साथ आपको मिलते हैं अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और दुआओं में याद रखें लव यू हो गया पाकिस्तान जिंदाबाद।